हेलो फ्रेंड्स, जेडी की 1.5 कंपाइलर जावा का आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम जावा की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो एडिट एपीपी 1.java, ये मैंने एक सोर्स कोड बनाया हुआ है, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस लाइन से, इम्पोर्ट जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार। मैंने सबसे पहले एप्लेट की लाइब्रेरी, AWT की लाइब्रेरी, ये मैंने इम्पोर्ट कर ली है। पब्लिक क्लास जावा के जितने भी प्रोग्राम जो एप्लेट के लिए बनेंगे वो पब्लिक क्लास के द्वारा बनेंगे। एक्सटेंड एप्लेट, एप्लेट को मैंने इसमें एक्सटेंड कर लिया है। एप्लेट हमारी एक क्लास है जिसको मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, यानी मैंने इसमें इनहेरिट किया है इसको। ठीक है, पब्लिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है वो बाहर की तरफ रन करना होता है, तो क्लास का नाम पब्लिक में लेंगे हम लोग। जो हमने मैंने बताया था आपके, इसके अंदर जो 5 फंक्शन होते हैं, इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है स्टार्ट, तीसरा होता है हमारा पेंट, चौथा होता है स्टॉप और डिस्ट्रॉय। ये मैंने एक सीक्वेंस में लगा दिए और इनके अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन करके छोटी छोटी लाइन लिखी है जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ एग्जिट कर मैंने सबसे पहले इसको कंपाइल किया, जावा सी एपीपी 1.java, इसको मैंने कंपाइल किया। देखिए, ये कंपाइल हो गया। मेरी कमांड होती है एप्लेट व्यूअर एपीपी 1.java, इसको मैंने कंपाइल किया। आप देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर एप्लेट बन के आ गया है। और आप बहुत ध्यान से देखिए, देखिए इनिशियलाइजेशन फंक्शन कॉल हो गया, स्टार्ट फंक्शन कॉल हो गया, और स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट जो मैंने पेंट में लिखा था, यानी कि 3 फंक्शन मेरे ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं इस एप्लेट पर। मैंने अभी इसमें सिर्फ एप्लेट बनाया है, इसमें कोई कोडिंग नहीं करी है, सिंपल आपको एक लाइफ साइकिल मुझे दिखानी थी। देखिए, जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा, बंद करते ही आप देखिए स्टॉप और डिस्ट्रॉय, ये 2 फंक्शन भी इसके कॉल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने एक प्रोग्राम के माध्यम से ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि इनिट पहले इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा, दूसरा स्टार्ट, उसके बाद में पेंट फंक्शन अपना जो भी काम कराना है हमने वो पेंट फंक्शन करेगा, फिर जैसे ही हम एप्लेट को बंद करेंगे तो स्टॉप और लास्ट डिस्ट्रॉय फंक्शन काम करेगा। ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। एप्लेट की पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें एप्लेट में आपको मैं आगे की तरफ इंटरफेसेस, माउस लिसनर्स, ठीक है, माउस मोशन लिसनर, एक्शन लिसनर्स, फिर काफ़ी तरह के इंटरफेसेस वगैरह इसमें आएंगे, वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।